मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, थोड़ा टेस्ट है रिवीजन सेकंड कविता है पाईवीर सिंह समा ते दूसरा कहानी जन्मदिन आप रिवाइज कर चुके हैं। ग्रामर दे टॉपिक है लिंग बलो ते शुद्ध करो। ठीक है, पहला कविता समा करांगे। ये समा दा मतलब थोड़ा इंटरनल असेसमेंट एक्टिविटी का पार्ट भी है। ठीक है, समा कविता कि लिखी हुई है पाईवीर सिंह दी। इस कविता दे विच कवि ने समय की महानता बारे दसदिया होया क्या है कि समा बड़ा ही कीमती है। ठीक है, समय की महानता बारे दसदिया क्या है कि समा बड़ा ही कीमती है। कवि ने समय नू रोकन की बड़ी कोशिश की पर समा जेड़ा कि सारिया हदा नू सारिया रुकावटा नू पार करके अगे ही अगे निकलदा गया। कवि ने इस कविता विच अपने आप नू किस रूप विच पेश किया है, किसी रूप विच पेश किया है। फड़फड़ रही तरीक रही वास्ते घट घाटा की मीनिंग है, घाटा की मीनिंग तरले करना, वास्ते घाटा की मीनिंग है तरले करना, मीनिंग भी आ सकते है मिंता करनिया या तरले करना। कवि ने कहा कि मैं समय रोकने के लिए बड़ी मिन्नतां कीतियां, समय ने एक ना मनी पर समय ने मेरी एक भी गल ना सुनी। फड़फड़ दही तरीक समय ने बड़ा खिंचन की कोशिश की कि रुक जा, समय खिसकाई करनी। ठीक है, खिसक गया भाव कि मेरे हथों पल्ला छुड़ा के, कन्नी का की मीनिंग है पल्ला, समा मेरे हथों पल्ला छुड़ा के खिसक गया भाव की निकल गया। किवे ना सकी रोक, मैं किसे तरीके भी समय नू रोक ना सकी। अटक जो पाए पन्नी, अटकदा की मीनिंग है रुकावट, अटकदा की मीनिंग है रुकावट। कवि ने कहा कि मैं समय दे रस्ते बहुत सारिया रुकावटा खड़िया कीतिया पर समा जेड़ा की है अगे ही अगे निकलदा गया सारिया हदा नू पार करके। हो अजे संभाल समय नू, कवि कह रहा है कि हले भी वक्त है, तू समय दी संभाल कर ले, कल सफल उड़ंदा जावे। सफल मतलब ये लगातार उड़दा जा रहा है, हथों निकलदा जा रहा है, इसलिए तू अपना काम जेड़ा कि आज ही उन्हें ही कर। ये ठहरन जात ना जानदा, मुड़ लंघ गया मुड़ ना आंदा। एक कोटेशन तुसी उच्च लिख सकते हो ऐसे विच भी। ठीक है, ये ठहरन जाना आता, यह कि वर्त्या गया शब्द समय लिए, समा जेड़ा कि ठहरना नहीं जानता, रुकना नहीं आता, लंघ गया जेड़ा समा एक बार बीत गया वो कदे भी मुड़ के वापिस नहीं आता। भाव कि इस कविता राही कवि ने सानू यह समझाया है कि सानू अपने हर काम समय के अनुसार करने चाहिए हैं, क्योंकि समा किसी के कहन से भी रुकता नहीं है। हुण एग्जाम दे विच कोई भी क्वेश्चन देके एमसीक्यू या तुहानूं ब्लैंक्स पूरी भी आ सकदी है, जिवें कर डैश उड़ंदा डैश, फिर की आएगा कर सफल उड़ंदा जांदा, भाव कि तुहानूं कविता भी लर्न करनी पैणी है क्योंकि कविता दी कोई भी लाइन पूरी करनी आ सकदी है। ठीक है, जिवें ए ठहरन डैश ना जांदा, ए ठहरन जांच ना जांदा, पर एक लाइन तुसीं अच्छी तरह करनी है। ठीक है बेटा, खिचना तरीक मतलब खिचना। हम आप नैक्सट करेंगे भाई वीर सिंह के बारे भी आना है ना, राइटर के बारे भी आना है। सब तो पहला था समा कविता किन्ने लिखी हुई है भाई वीर सिंह ने। भाई वीर सिंह का जन्म कदों होया सी, 5 दिसंबर 1872। इको ही राइटर है। ठीक है, 1872 दे विच पिता का की नाम सी, चरण सिंह। एक मिनट, माता का की नाम सी, सरदारनी उत्तम कौर। इन्होंने बेटा बहुत सारी कलिया कवितावां इन्हें लिखिया लास्ट स्टैंडर्ड इन्होंने। ठीक है, कलिया की कवितावां ही नहीं लिखिया इन्होंने बेटा, कवितावां तो अलावा नावल नाटक
वार्तक भी लिखे, ठीक है, लिखा सी पहले था कविता ही लिख लो, कविता नावल नाटक वार्तक लेख, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ लिखा जिवें नावल नाटक ते वार्तक लेख, छोटियां कवितावां दे महान कवि किन्हां नूं कहा जांदा है, ठीक है, छोटियां कवितावां दे वड्डे कवि भाई वीर सिंह नूं कहा जांदा है, छोटियां कवितावां दे वड्डे कवि किन्हां कहा जांदा है, भाई वीर सिंह जी नूं कहा जांदा है, क्योंकि इन्होंने छोटियां छोटियां कवितावां लिखण दी शुरुआत कीती। इस तों इलावा इन्हां नूं आधुनिक कविता दे मोढ़ी भी कहा जांदा है, आधुनिक कविता दे मोढ़ी भी कहा जांदा है। इन्होंने बहुत सारिया कवितावां लिखिया जिवें बिजलियां दे हार, लैला दे हाल, मटर फुलारे, मेरे साईओ जियो, कमदी कलाई ते मेरे साईओ जियो, मेरे साईओ जियो बुक नूं की मिलिया सी पुरस्कार, मिलिया कित्थों पुरस्कार मिलिया सी, साहित्य अकादमी वालों, साहित्य अकादमी वालों इस किताब नूं इनाम मिलिया सी। ते इन्हां नूं इन्हां दी रचनावां दे बल्ले पद्म भूषण पुरस्कार नाल सम्मानित कीता गया। क्लियर है बेटा सानू भाई वीर सिंह दी कविता, ठीक है। इस तों अलावा अणडिठा वार्तक पहरा भी आना है, अणडिठा वार्तक पहरा नूं ध्यान नाल पढ़ के ही ऑप्शन पढ़ के फिर टिक लगाने, ठीक है, अणडिठा वार्तक पहरा भी आना है। हाँ बेटा वो पता नहीं दस हूं नेक्स्ट है जन्मदिन कहानी रिवाइज कराती सी ना अच्छी तरह। नेक्स्ट है लिंग बलो ते शुद्ध बलो, जपजी साहब आशा विवाद, आशा विवाद, आशा विवाद। नेक्स्ट है लिंग बलो का टॉपिक, ठीक है, लिंग बलो दे तो अच्छी तरह रूल्स भी करवाए हुए ना, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਲਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਲਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੇ ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਹੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ चुनो, सही स्त्रीलिंग शब्द चुनो। फर्स्ट ऑप्शन है बूढ़ा, दर्जी, गुजरातन। सेकंड है पूर्वन, परदेसी, पूर्वज। नेक्स्ट है पीढ़ी, धरती, धरती चन, ससा, ससा ऑप्शन है कश्मीरन, मेल। ऐसा सही ऑप्शन कड़ा इससे लिंक के लिए। हाँ बेटा ऑप्शन पढ़ना है।
ओके दोनों, हाँ वेरी गुड, सस्ता ऑप्शन मैंने भी बोलिया सी, सस्ता ऑप्शन कश्मीरा भी स्त्रीलिंग है ते मेम भी स्त्रीलिंग है, वेरी गुड बेटा। शब्द चुनो इधर आके सुनाना, अच्छा फर्स्ट है पूरा ऑप्शन बाटी एड़ा पीड़ा एड़ा पीड़ा पीड़ी कड़ाही ससा संदूकड़ी। हाँ जी बेटा हाँ दस छोटे आकार दया वस्तुओं आकार दया वस्तुओं की कहते हैं पुलिंग, ठीक है। हूँ ए वाला पुलिंग केड़ा है पीड़ा वड्डा होंगे, ठीक है। बाटी का बाटा बाटी, ठीक है। कड़ाहा कड़ाही संदूक संदूकड़ी, यानी कि पीड़ा पीड़ी होंगे, पीड़ा की है पुलिंग शब्द है, वेरी गुड। मां बोली अपनी नाल प्यार करो, ए गल आखन नू कदी ना संगो। सत श्री अकाल, अज मैं वंशिका नागपाल थोड़े सारे दे सामने मां बोली बारे अपने विचार पेश करन जा रही हाँ। हर पंजाबी दी मां बोली पंजाबी हुंदी है। मां बोली तो भाव है कि जिस धरती ते आपा जन्म लैंदे हाँ ता आपा उत्थे दी ही बोली बोलदे हाँ ते ओही साडी मां बोली हुंदी है। अपनी मां बोली नाल सानू हमेशा ही एक वखरा लगाव हुंदा है। अज कल दे लोकी अंग्रेजी बोलन विच अपनी टौर समझदे हन पर ओ की जानन कि अपनी मां बोली बोलन दा वखरा ही आनंद हुंदा है। मां बोली नू प्यार करन वाले नाल कदी कोई नफरत नहीं करदा क्योंकि उसकी हर गल मिठी हुंदी है। अपनी मां बोली दा अपमान करन वाले कदी भी किसे तो अपनी इज्जत नहीं करवांदे। अपनी मां बोली विच हमेशा ही मासूमियत मिठास ते अपनापन हुंदा है। भावे अजकल दी नौजवान पीढ़ी अपनी मां बोली दी कदर नहीं करदी पर पिंडा दे लोग अज भी अपनी मां बोली दा पूरा पूरा सतिकार करते हैं। अंत विच मैं यही कहांगी कि मैनू अपनी मां बोली ते मान सी मान है ते मान रहेगा। धन्यवाद। केड़ा टॉपिक है? समय दी कदर। यस टॉपिक है स्पीकिंग स्किल, समय दी कदर। यस बेटा वो संभाल संभाल इस समय नु पर सफल उड़दा जांदा। सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशी है, मैं नौवीं ए जमात दी विद्यार्थी आज समय दी कदर बारे दसन जा रही हाँ। समा साडी जिंदगी दा बहुत कीमती हिस्सा है। समा कदे भी किसे 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 दे नहीं रुकदा, निरंतर चलदा रहंदा है। उस दे रस्ते विच चाहे जिन्नियां भी रुकावटां आउण पर ओ सारियां रुकावटां तोड़ दिंदा है। ओ अपनी तेज गति दे नाल सारियां सीमावां नूं पार करदा होए अगां वधदा रहंदा है। इसलिए सानू समय दी कदर करनी चाहीदी है। समा दा सही इस्तेमाल करना चाहीदा है। समा एक बारी बीत गया मुड़ के वापस नहीं आंदा। किसे सियाणे ने कहा है, ऐ ठहरन जांच ना जानदा, लंघ गया ना मुड़ के आया। इस करके इस दी लगातार चलदियां रहण दी गति तो सावधान होके इस दा सही वरतों करनी चाहीदी है। धन्यवाद। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग वालों का, तुसी सारे मिलो छ हमें एड्रेस करके। बादशाह, हां बादशाह मलकाई की खड़े होंगे जो बेटा। नेक्स्ट है देवता देवी, ननान ननान भैया, ग्लास हाँ, मंजा संदूक, आकाश आकाश का
आकाश दा आकाश ही आकाश शब्द का कोई विरोधी लिंग है ही नहीं। भी क्वेश्चन आना एक ठीक है जिवें एक सेकंड एक कोई क्वेश्चन दे के जिवें आग शब्द का विरोधी लिंग लिखो या सूरज शब्द का विरोधी लिंग भाग्य का विरोधी लिंग कोई है ही नहीं एना फिर ऑप्शन लिखे कोई नहीं या सेम वही लिख दोगे ठीक है। एक क्वेश्चन ऊपर लिख लेंगे मैं बहुत देर लिख लो क्या जिवें धरती लिंग बोलने वाला क्वेश्चन धरती शब्द का कोई भी शब्द आ सकता है देखो बेटा धरती शब्द का विरोधी लिंग सुनो पूरा ऑप्शन है तर्क एड़ा है आकाश कीड़ी है आसमान सस्ता है धरती धरती का कोई विरोधी लिंग है नहीं स्त्रीलिंग है ही नहीं विरोधी लिंग भाव की जे पुलिंग है तो विरोधी स्त्रीलिंग अपने आप समझना है ठीक है ये तुम समझ होनी चाहिए विरोधी लिंग मतलब जो पुलिंग है इस तरह भी क्वेश्चन आने हैं एक ब्लैंक से रूप में ही आने हैं ठीक है। तो बेटा प्लीज सब ने टेस्ट जरूर देना है टेस्ट के मार्क्स ऐड होंगे है ठीक है।